नरसूलागंज क्षेत्र में चिटफंड कंपनी द्वारा कई लोगों को चूना लगाया जा चुका है। ऐसा ही एक मामला नरसूलागंज में फिर देखने को मिला, जिसको लेकर नगरवासियों द्वारा एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। देखिए रिपोर्ट। चिटफंड कंपनी द्वारा की जा रही मनमानी और उपभोक्ताओं की परेशानियों को देखते हुए जल्द से जल्द पैसा दिलाने और शासन स्तर पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं नगरवासियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन द्वारा 7 दिनों में आम जन की समस्या को लेकर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो आने वाले दिनों में पैसों की मांग को लेकर नरसूलागंज से मुख्यमंत्री आवास तक पदयात्रा निकाली जाएगी। भुगतान नहीं कर रही है, काफ़ी दिनों से परेशान कर रही है, उम्रा कर रही है। लगभग भुगतान 20 करोड़ रुपए के लगभग नरसूलागंज तहसील का है। कई बार ज्ञापन दिए मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, कानून मंत्री जी को, सिर्फ रिप्लाई में जवाब संतोषजनक नहीं आया। एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को, सबको काफ़ी बार निवेदन कर चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विगत नवम्बर 2020 में मैंने FIR कटवाई कंपनी के खिलाफ, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। वही आगे बढ़ाने की बात करते हैं, इसके अलावा कोई भुगतान की बात ही नहीं करता। अभी मुझे भी ऐसा ज्ञात हुआ है, मालूम पड़ा है जिससे सूत्रों से, कि ऑफिस बंद करने का चल रहा है। अब अचानक ये रातों रात यदि चले जाते हैं तो हम फिर किसके पास जाएंगे? हमारे पास तो कोई आश्रय ही नहीं बचे। भुगतान हो समय पर, सबका भुगतान की प्रक्रिया बने, कंपनी भुगतान करे सबका 20 करोड़ रुपये के लगभग। अगला कदम में माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी के गृह निवास पे पैदल यात्रा, पदयात्रा से हजारों की संख्या में जमा करता कार्यकर्ता जाएंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर कब तक पीड़ितों को न्याय मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, नरसूलागंज।